1 जनवरी 2020 ये वही तारीख थी जब हिंदुस्तान ने अपना सबसे पहला CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देखा था और उस पद की गरिमा बढ़ाई थी स्वर्गीय बिपिन रावत ने। हम सभी को याद है आज से 9 महीने पहले इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था। उसके बाद भी 9 महीने बीत चुके थे लेकिन अब तक कोई भी CDS नियुक्त नहीं किया गया था। लेकिन आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को आखिरकार देश का नया CDS घोषित कर दिया गया है। आज हम लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान इतने समय से नए CDS का इंतजार क्यों कर रहा था, ये पद हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के पदों से परिचित करवा देते हैं। CDS होने से पहले एक फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भी थे। आपको आगे हम इनके बारे में सब कुछ बताएंगे लेकिन उससे पहले आपका इनके पूर्व पदों को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक समय पर हिंदुस्तान का जो बंगाल के आगे वाला रीजन है जिसमें सिक्किम, आसाम, मेघालय, बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का हिस्सा आता है, ये सारा ही रीजन एक टाइम पर CDS अनिल चौहान द्वारा संभाला जाता था। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको 4 डिपार्टमेंट्स दिखेंगे। इसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और अंत में आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन जब CDS के पद को बनाया गया तब यहां पर एक और डिपार्टमेंट जोड़ा गया था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इसका मतलब यह है कि जो भी सैन्य अधिकारी CDS का पद संभालेंगे उनके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी जिम्मेदारी आ जाती है, वो इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं। और अगर भारत सरकार को तीनों सेनाओं के बारे में कुछ भी पूछना हो तो उसकी जवाबदेही CDS की ही होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि CDS अनिल चौहान पहले ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे लेकिन ये जो पद होता है वो एक 3-स्टार का पद होता है और आर्मी के अंदर सबसे बड़ा पद होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 4-स्टार का पद होता है। अब चाहे वो जल सेना का हो, थल सेना का हो या फिर वायु सेना का हो। अब आप सोचेंगे कि CDS तो इन सबके ऊपर होता होगा यानी कि वो 5-स्टार का पद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी भारत सरकार द्वारा 4-स्टार की ही श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि CDS अनिल चौहान पहले ऐसे CDS होंगे जो 3-स्टार के पद से 4-स्टार के पद पर जाकर CDS बनेंगे, क्योंकि इनसे पहले जो CDS बिपिन रावत थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यानी कि वो पहले भी 4-स्टार के पद पर थे और CDS बनने के बाद भी वो 4-स्टार के पद पर ही रहे। उम्मीद है आप पदों की जिम्मेदारियों को समझ गए होंगे। अब हम एक नजर डालते हैं इनके जीवनी की ओर। इनका जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में हुआ था। आर्मी के अंदर इनका प्रवेश 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में हुआ। इसके अलावा उनका जो पूरा करियर है लगभग 40 साल का है जिसमें उन्होंने कई पद संभाले, जैसे कमांड हो गया, स्टाफ हो गया, इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट हो गया और इतना ही नहीं, इनको खास करके जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में इनके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर इनके पास खूब एक्सपीरियंस है जो CDS के पद पर रहते हुए इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही जब वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे तो बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसकी वजह से भारत अपनी युद्ध की तैयारी ठीक तौर पर कर पाया था। और ईस्टर्न कमांड को भी संभालने से पहले ये मेजर जनरल हुआ करते थे जब इन्होंने खतरनाक बारामुल्ला सेक्टर में एक पैदल सेना की भी कमान संभाली थी और ये ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन था। साथ ही ईस्टर्न आर्मी कमांडर का पद इन्होंने सितंबर 2019 से लेकर मई 2021 तक संभाला है। इन्होंने ना केवल अपना झंडा देश में फहराया बल्कि विदेशों में भी जाके हिंदुस्तान का झंडा फहराया। जी हां, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंगोला मिशन में भी सर्व किया है। एक मजेदार बात आपको और बता दें कि इनका योगदान बालाकोट स्ट्राइक में भी रहा है। जी हां, क्योंकि ये उस समय के DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के पद पर थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट जो अजीत डोभाल के द्वारा संभाला जाता है, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी वहां पर एज अ मिलिट्री एडवाइजर काम किया है। इनकी वीरता के चर्चे तो आपने सुन लिए लेकिन सवाल यह भी आता है कि CDS बनने के बाद भी इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनके सामने जो सबसे पहली चुनौती खड़ी होगी वो ये कि CDS बिपिन रावत का सपना था देश के अंदर थिएटर कमांड लाने का, उनके देहांत के बाद ये काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब आप कहेंगे कि थिएटर कमांड क्या होता है? देखिए, तीनों सेनाओं को मिला करके देश की सुरक्षा करना, वो भी अलग अलग इलाकों में, इसे थिएटर कमांड कहते हैं। अपने आप में काफी मुश्किल होता है ये काम क्योंकि तीनों सेनाओं का इस्तेमाल एक ही ऑपरेशन में सही ढंग से करना असंभव तो बनता है भाई। तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज है CDS अनिल चौहान के लिए। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिसोर्सेस का ठीक तरह से उपयोग। देखिए,
हमारे देश में डिफेंस के ऊपर काफी अच्छा अमाउंट खर्च किया जाता है, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ह्यूमन पावर यानी कि इंसानों की आवश्यकता कम होती जा रही है, मशीनों का दौर आता चला जा रहा है। तो अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जमाने के साथ साथ युद्ध का तरीका भी बदलता जा रहा है, क्योंकि अब इंसानों से भी ज्यादा ड्रोन्स और ऑटोमेटिक वॉर मशीन से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो हमें मशीन्स को भी ठीक तरीके से डेवलप करना होगा और ये भी देखना होगा कि CDS अनिल चौहान द्वारा रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये थी देश के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी और उनके आगे क्या समस्या खड़ी होने वाली है ये भी हमने आपको कुछ पॉइंट्स में बताया। क्या राय है आपकी नए CDS को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस और रिसर्चफुल वीडियोस को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।